कि जब सुदामा जी को गले लगाया है भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण की जो धर्म पत्नी है, नाम क्या था? रुक्मणी। वो सोचती है कि पता नहीं इनके बचपन का मित्र कहां से आ गया और इसको गले से लगा के रखा है, इसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जो भी इसके कपड़े हैं वो सारे फटे हुए हैं, बट फिर भी इसको गले लगा के रखा है, कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को क्या समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी हवाला सुनेगा रागिणी के माध्यम से क्या बता दिया। अरे मैं के धोरे अभिमान होगा, मैं होगी, उसके अंदर मैं वास नहीं करता, मैं रहता कहां हूं? सुनो, वो मेरा बालकपन का यार सुदामा, न्यू छाती कहलाऊं सो। ये मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है और क्या कहते हैं सुनो, अरे मैं के धोरे सुनेगा क्या लिख दिया। सुदामा जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते थे, तो पूछते हैं कि तेरे घर में खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन सुदामा जी को शर्म आती कि आखिर किस मुंह से बोलूं कि सुबह को मिल जाए तो शाम का भरोसा नहीं और शाम को मिल जाए तो सुबह का पता नहीं। सुनेगा दूसरी बात के अंदर क्या कहने लगे। बालक
दोष धरे था क्यों अरे चूल्हे तकी तोड़ तेरी रुकवण ते घड़ा डरे था क्यों बैठ सुदामा आग दी पे बैठ सुदामा आग दी पे मैं रुकवण ने समझाऊ मेरा बालक बने छाया सुदामा तू छाती गलाऊ सू मेरा बालक बने काया सुदामा तू छाती गलाऊ सू सुदामा न्यू छाती के ल्याऊं सू अगर मित्रता निभानी है और मित्रता करनी है तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए लेकिन कलयुग में तो आपको पता ही है कि आज कैसा समय आ गया भगवान श्री कृष्ण तीसरी बात के अंदर यूं कहने लगे तेरे घर में जो तेरी धर्म पत्नी है और जो तेरे बच्चे हैं वो तेरे बिना कैसे रह रहे होंगे सुदामा क्या विषय पूछते हैं क्या कहने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण सुनेगा तीसरी बात के अंदर